हाँ जी बाबा, अगर तुम्हारे बोला है कि माने कि है अव्यक्तवाणी में बोला है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है तो तुम नई दुनिया माना जाना करते हो, लेकिन एनएस में कोई जाता है तो कभी वापिस ही नहीं आता। कभी बाप आता ही नहीं? नहीं, वापिस नहीं आते, वापस ही नहीं आते। नई दुनिया का फाउंडेशन है ना, नई दुनिया किसको कहा जाता है? नया संगठन किस चीज का फाउंडेशन है? है सतयुग का फाउंडेशन है ना। तो जो सतयुग में नई दुनिया में जाएगा फिर वापस आना चाहिए तो नहीं आता है। कोई कोई फिर आ भी जाते हैं जो बीच में लटके रहते हैं, क्योंकि बुद्धियोग से पूरे नहीं जाते, तो कोई वापस भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग तो नहीं है, स्वर्ग का फाउंडेशन ही है ना। नई दुनिया थोड़े ही है, नई दुनिया का फाउंडेशन है। जैसे मकान का फाउंडेशन गहराई में डाला जाता है तो मकान तो ऊपर दिखाई पड़ता है, फाउंडेशन तो नीचे चला गया। उस फाउंडेशन के ऊपर सारा मकान खड़ा हुआ है। और बाबा, क्योंकि कट जाते हैं एडवांस कैलेंडर, तो उन चित्रों को फेंक तो नहीं सकते, तो क्या करें? क्यों नहीं फेंक सकते? पॉइंट छिपे रहते हैं ना, क्या छिपे रहते पॉइंट छिपे रहते हैं? अरे तुम कब तक नहीं फाड़ोगे? वो तो फटने ही है, सड़ने ही है, विनाश होगा तो सारी दुनिया की सभी चीजें फट जाएंगी, सड़ जाएंगी। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। जड़ चित्रों की पूजा करते रहते हैं, जड़ चित्रों को मान देते हैं। अभी प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ है तो कोई मान नहीं देते। भक्ति मार्ग की बातें हैं, ऐसा खलास होती है। चित्र तो जड़ हैं, हमको तो चैतन्य मिला हुआ है, तो चैतन्य की परवाह करनी चाहिए पहले या जड़ की परवाह करनी चाहिए? चैतन्य की परवाह पहले करनी है। और याद और सेवा से माया को डबल लात लगाना है। हाँ जी, माया को याद में ही बिल्कुल डालती डालने दो, सेवा भी तो कर रहे हैं। सेवा जो बच्चे करते हैं उनको बाप याद करता है, तो सेवा करने से याद में भी बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए बताया कि डबल लाख लगा दो। जब याद में बल मिलेगा, याद कच्ची नहीं होगी तो माया भी थक जाएगी। इसलिए बोला डबल लाख लगा दो। और बाबा, गंगा जब मैदान में आएगी तो माने की पीरी की क्या आधार पे पहचाना जाएगा या उसकी सेवा के आधार? कौन मैदान में आएगी? गंगा को सर पर चढ़ाते हैं। जैसे कोई बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो बाप प्यार में आकर बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी सर पर चढ़ाया हुआ है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, अकेली गंगा को सर पर नहीं चढ़ाया हुआ है, अष्टदेव भी हैं जो निराकारी स्टेज में रुद्रमाला के मणकों के रूप में सर पर चढ़ाए हुए हैं।
बहुत सर्वसेबुल बच्चे हैं ना, तो उन पर उनको सर पर चढ़ाया हुआ है। और निसंकल्प किस प्रकार बनाई जाए? प्रैक्टिस से बनाई जाए। ये दुनिया भस्म होने वाली है, इन आंखों से जो भी देखते हैं वो सब खलास होने वाला है, तो आंखों में कोई समाएगा ही नहीं। कौन समाएगा? एक शिव बाबा ही समाएगा। आंखों से देखते हैं दुनिया को तो दुनिया याद आती है, दुनिया याद आती है तो बुद्धि भटक जाती है। याद इसलिए आती है कि दुनिया से वैराग नहीं आया है, राग छूटता नहीं है, दुनिया से सुख लेने की आस लगी हुई है। जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि इस दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से, इस दुनिया के संबंधों से अब सुख नहीं मिलने वाला है, दुख ही दुख मिलने वाला है, तो बुद्धियोग टूट जाएगा। बुद्धि में बैठेगा कि एक शिव बाबा ही सुखदाई है, वो ही अंत तक हमारा सहारा है, और सब धोखा दे जाएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में नजारा आया, ब्राह्मणों की छोटी सी दुनिया की शूटिंग हुई, जिनको प्यार में आकर के सात सात तालों में अंदर रखा था, उनको बुद्धि में ये बैठ गया कि सात तालों में हमको बंद करके रखने वाले सिर्फ दिखावा करते थे, लेकिन जब बात आई, जान पर आई, तो सब भाग गए छोड़ छाड़ करके। भगवान ने ही हमको बचाया। और बाबा व्यक्ति आदि में जो राम वाली आत्मा थी ना, उसके साथ कितनी सहयोगी बने थे, माने किसका पता नहीं। अभी पता नहीं पड़ा, माने कि उस राम बाप के साथ कितने सहयोगी गए थे। अभी अभी तो पता पड़ गया ना कि ब्रह्मा को कितनी भुजाएं होती हैं, हैं? हजार भुजाएं होती हैं, तो हजार भुजाएं आदि में भी रही होंगी जो अंत में भी प्रत्यक्ष होती हैं। और सावन बनने की जरूरत तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो नहीं सकती। क्या सावन बनने की दर? हाँ, हमारे धर्म की वृद्धि हो नहीं सकती। बराबर है, दूसरे धर्मों की वृद्धि हो रही है तो क्या पावन? वो पावन दुनिया में हो रही है। हाँ, तो आपको पावन दुनिया की वृद्धि करनी है या पतित दुनिया की वृद्धि करनी है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया बनानी है या देवताओं की दुनिया बनानी है? कौन सी दुनिया बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है? देवताओं की दुनिया बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देवताएं पवित्र होते हैं तो हमको भी पवित्र बनना पड़े। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। तो फॉलो अगर क्राइस्ट को किया तो लक्षण कैसे आएंगे? क्रिश्चियंस जैसे ही लक्षण आ जाएंगे, मुसलमानों जैसे लक्षण आ जाएंगे, फिर तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? क्या बनेंगे? पतित ही बनेंगे। और संकल्पों का हिसाब किताब कैसे? बिंदी रूप में टिक जाओ, सब संकल्प कटते रहेंगे, फुल स्टॉप लगता रहेगा, संकल्प आना बंद हो जाएंगे। है? गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है ना, ट्रेन भी चलती है तो ब्रेक लगाते हैं ना,
थोड़ी सी किर्र किर्र की आवाज होगी थोड़ी देर, फिर बंद हो जाएगी। प्रैक्टिस होगी, अच्छे से ग्रीस वगैरह लगा हुआ होगा तो वो भी नहीं होगा। और कोई मुखिया नहीं है, वहाँ पे लाइन बना के बैठते हैं सभी लोग। क्या नहीं है? कोई मुखिया नहीं है उनके ऊपर चलाने वाला। ब्रह्म कुमारियाँ नहीं हुई? नहीं, मुखिया तो हैं, लेकिन वहाँ पे उनका सबसे मुखिया नहीं है। कौन मुखिया? माने की जैसे आप हो, हम सब के रक्षा करो, लेकिन वहाँ पे तो नहीं ना कोई। ब्रह्म बाबा का शरीर छूट गया ना, यहाँ कौन बाप मुखिया बन के रक्षक बन के आया हुआ है। फरक्काबाद में अभी इतना गड़बड़ हुआ तो क्या बाप ने वहां जाके रक्षा की है? यहाँ भी तो शक्तियां ही हैं, जैसे वहां शक्तियां हैं वैसे यहाँ भी शक्तियां हैं। वहां भी शिव शक्ति पांडव सेना गाये हुए थे, अभी बाप वहां नहीं है तो जहां बाप है वहां शिव शक्तियां शक्ति रूप बन जाती है। और बाप तो गुप्त रहता है। महाभारत में भी रणछोड़ गाया हुआ है, युद्ध के मैदान में सामने आता है क्या? है नहीं आता। और नहीं, ये माने की लाइन बना के बैठते हैं सभी लोग, लेकिन यहाँ पर अच्छे से नहीं बैठे। फैल फूल के टांग फैला के बैठना है? हाँ, लाइन बना के नहीं बैठते ना। लाइन बना के ये परिवार है या स्कूल है या परिवार और स्कूल दोनों है? दोनों है। इसमें आप टांग फैला के बैठना चाहो बैठ जाओ, आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और अष्टदेव, चार सूर्यवंशी चार चंद्रवंशी मणके हैं। बाबा ने बोला है तो चंद्रवंशी विजयमाला से तो नहीं आवेंगे। ये कहाँ बोला? विजयमाला तो अभी बनी नहीं है, लेकिन चंद्रवंश तो है। चंद्रवंश है या नहीं है? चंद्रमा था या नहीं था? हैं? चंद्रमा था तो उसका वंश भी चला आ रहा है। चंद्रवंशी है तो चार चंद्रवंशियों से उठाए जाते हैं और चार सूर्यवंशियों से उठाए जाते हैं, चार जोड़े बनते हैं। इस तरह ये अष्टदेव कहे गए हैं। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला से ही होना चाहिए, रुद्रमाला में तो सभी वंशों के हैं। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला के बीज रूप मण के सारे सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी ही बन करके रहेंगे, नहीं। अंत में जाकर के कुटपिट के अच्छी तरह से जब छिलका उतर जाएगा तो सब सूर्यवंशी बन जाएंगे, तब तक तो मालाएं सारी प्रत्यक्ष हो जाएंगी, क्योंकि सारी दुनिया रुद्रमाला है। तो सारी दुनिया के जो बीज हैं वो भी रुद्रमाला में है। और जहाँ नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग स्थापन होगा है, वहाँ माया रावण और माया भी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे है। माया तो बाप की बेटी वहाँ भी है, बाप की बेटी है ना, विष्णु की बेटी तो नहीं है। वहाँ विष्णु का राज्य होगा या बाप का राज्य होगा?
बाप राजी करता है? है? बाप राजी करता है? शंकर को स्वर्ग में दिखाया गया है? नहीं दिखाते। इंद्र को स्वर्ग में दिखाते हैं। शंकर तो लंगोटिया है और संकल्पों की पवित्रता के साथ साथ स्थूल पवित्रता कब और कैसे आ गई है? संकल्पों की पवित्रता के साथ साथ स्थूल पवित्रता कब और कैसे आ गई? साकार की स्थूल पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता से स्थूल पवित्रता कब और कैसे आएगी? ब्राह्मणों में कब आवेगी? नंबर बार ब्राह्मण है कि सब एक जैसे हैं? तो नंबर बार आवेगी, कब का सवाल ही नहीं। कोई की पहले संकल्प शुद्ध हो जाएंगे, कोई की बाद में संकल्प शुद्ध होंगे। जो जो संकल्प शुद्ध वाली आत्माएं बनती जावेंगी, उनके मन के प्रत्यक्ष होते जावेंगे। कौन से नंबर के मन के हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बाबा शंकर एक आत्मा है या कई आत्माएं मिक्स होती हैं उनको शंकर कहा जाता है? शंकर का पार्ट अभी नहीं है। हाँ शुरू में भी था। शुरू में नहीं था तो बाबा ऐसे क्यों कहा कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के द्वारा आता हूँ। शंकर स्टार्टिंग में भी था। स्टार्टिंग में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष है, कभी अप्रत्यक्ष है, कभी मर्ज है, कभी इमर्ज है। और बाबा माउंट आबू में निक्की झील है, कहते हैं मुनि ने नाखून की मूर्ति बनाया। माउंट आबू में नक्की झील है, कहते हैं मुनि ने उन्हें नाखून से खोद के बनाया था। इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? नाखून से खोद के निकाला था? वाह भाई, तुम तो खुद शास्त्रों की बात है, नाखून से खोद खोद के निकाली है। मुरली में तो बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं। उसका नाम नक्की झील पड़ा नहीं? हाँ हाँ, नाक में कभी कभी उंगली घुस जाती है सफाई करने के लिए, तो नाखून लग गया होगा, तो नक्की लेक बह गई। वो यादगार है स्थूल। और परमपिता परमात्मा शिव की जयंती होती है, सब सब मतलब पावन बन जाते हैं। सब कहाँ बन जाते हैं? नंबर बार बनते हैं कि सब बन जाते हैं? जब परमपिता परमात्मा शिव की जयंती होती है तो साथ में बच्चों की भी जयंती हो जाती है। आठ बच्चे हैं अष्टदेव, उनकी भी जयंती हो जाती है, बाकी सबकी थोड़े ही हो जाती है। सबकी होने में तो टाइम लगेगा। हाँ और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाबा नीचे राधा कृष्ण के हाथ में मुरली बताए थे, राधा के हाथ में, क्यों बताइए? इसलिए बताइए कि वहाँ कोई दूसरा धंधा होता ही नहीं है। डांस करो, संगीत बजाओ, वहाँ कोई यंत्र कारखाने में नहीं बनाए जाते हैं, नैसर्गिक यंत्र होते हैं। बांस की बांसुरी दिखाई गई है, पत्तों के भी यंत्र बनाए जाते हैं, वो बजाते रहते हैं। नाटक करना, चित्रकारी करना, वाद्य यंत्र बजाना,
खेल पाल करना, यही उनका धंधा होता है। जैसे आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिस में काम करना ज्यादा चाहते हैं या क्लब में जाकर के मौज मस्ती ज्यादा करना चाहते हैं, है? क्लबों में जाकर के मौज मस्ती ज्यादा करना चाहते हैं। ऑफिसरों की बात छोड़ो, यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा के जितने भी नौकर चाकर हैं सब ऐसे ही हो गए, कोई काम नहीं करना चाहता, बस मस्ती मारना चाहते हैं। तो बाबा ऐसी दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां मस्ती ही मस्ती होगी, काम धंधा कुछ भी नहीं होगा। मुरली बजाएंगे और वाद्य यंत्र बजाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे खेलेंगे और शंकर को हनुमान का अवतार मानते हैं। है? हनुमान का अवतार नहीं मानते हैं, हनुमान को शंकर का रुद्र अवतार मानते हैं। तो ब्रह्मा की सोच हनुमान का पार्ट, तीनों आत्माएं मिलकर के शंकर का रूप हैं, ब्रह्मा शिव और राम वाली आत्मा, उसमें भी सूक्ष्म शरीरधारी कौन है अभी, है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को शंकर तो कह सकते हैं लेकिन प्रजापिता नहीं कह सकते, क्यों? प्रजापिता प्रजा के साथ होगा या सूक्ष्म वतन में होगा? हाँ, तो ब्रह्मा का पार्ट हनुमान का पार्ट भी है, सूक्ष्म शरीरधारी पार्ट है, ज्यादा पावरफुल पार्ट है। और बाबा ने कहा है मुसलमान धर्म की आधार मूर्त आत्मा, बाबा को बेसिक ज्ञान देने के निमित्त बनी, तो क्या वो आत्मा अभी तक भी एडवांस ज्ञान नहीं उठाया? वो आत्मा कौन है, क्या इशारा दे सकते हैं? अच्छा, बाबा कौन है, राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है या कोई धर्म पिता का आधार मूर्त है? है? बाबा जिसे कहते हैं शिव बाबा, शिव माने आत्मा, बाबा माने शरीर, शरीरधारी, तो बाबा कौन है, राम है कृष्ण है या धर्म पिताओं की कोई आधार मूर्त आत्मा है? राम वाली आत्मा है। तो झाड़ के चित्र को ध्यान से देखो, मुसलमान धर्म जहां पर है डाली निकली हुई है, मोहम्मद दिखाया हुआ है जहां पर, उसके मुख के सामने राम वाली आत्मा धनुष बाण लिए खड़ी है। इससे साबित होता है कि हमारे बड़े से बड़े दुश्मन कौन है, मुसलमान हमारे पुराने दुश्मन हैं। जब से ये मुसलमान भारत में आए हैं तब से भारत परतंत्र हुआ है, मुसलमानों के आक्रमण जब से शुरू हुए हैं तब से कलयुग पापी युग शुरू हो गया भारतवर्ष में। जो ब्राह्मण देवताएं थे वो शूद्र बन गए संघ के रंग से,
तो जिन्होंने हमको शूद्र ज्ञानी बनाया वो ही निमित्त बनते हैं ज्ञान देने के। विदेशी पहले ज्ञान को पहचानते हैं या स्वदेशी पहले ज्ञान को पहचानते हैं? कौन पहचानते हैं? विदेशी पहचानते हैं। तो मुस्लिम धर्म की जो आधारभूत आत्मा है, जो मोहम्मद के रूप में दिखाई गई है, वो निमित्त बनती है। हराम वाली आत्मा को संदेश देने के लिए बाबा है। एक भाई को तो भाई के कहने लगा जैसे कि आप बता रहे हैं भगवान कर दिया कि नहीं, और आत्मा मनुष्य आत्मा में जन्म लेते हैं, मनुष्य तो मनुष्य बनेगा है? जैसे कि मनुष्य जैसा बीज जैसा ग्रह मनुष्य है तो मनुष्य बनेगा। किसी के अंदर आके ये क्यों बोलता है कि माने कि मैं इंसान, आपने मुझे पूर्व जन्म में डाला था इसलिए मैं आपके पास। कौन बोलता है? सांप बोलता है। सांप बोलता है या कोई मनुष्य आत्मा की भूत प्रेत आत्मा बोलती है? तुम्हें कैसे पता चला? आप मनुष्य के तन में मनुष्य ही प्रवेश करता है, मनुष्य आत्मा ने प्रवेश किया, तुमने समझ लिया कि सर्प बोलता है? अरे जब कभी भूत प्रेत आत्मा आती है मनुष्यों के तन में और बोलती है मैं महाकाली हूँ, तो क्या कोई महाकाली होती है? तुमने समझ लिया? हाँ हाँ, भाई का प्रश्न था तो भाई ने समझ लिया, उसके कहने से विश्वास कर लिया कि ये महाकाली है, ये हनुमान है, ये सर्प है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, उसको तो समझाया लेकिन वो नहीं माना, हमने कहा। अब नहीं माना वो बात अलग है। और बच्चों के लिए बोला है, जो बच्चे संगम युग में जितना झुकते हैं, लेकिन बाबा ये बोले कि सूर्यवंशी बच्चे किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये कहाँ बताया? झुकेंगे नहीं का मतलब ये थोड़ा ही है कि अपने परिवार के सामने झुक करके नहीं चलना है। अपने परिवार में सहन करना है या सामना करना है, ये भी तो देखना है, कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। अपने धर्म की, अपने परिवार के लोगों की स्थापना करनी है या उनका विनाश करना है? स्थापना करनी है। तो जिनकी स्थापना का लक्ष्य है, तो माँ को लक्ष्य रहता है कि अपने परिवार को वर्धन करना है, बढ़ाना है, पालना करनी है, तो माँ सहन करती है तब होता है। ऐसे ही हम भी ब्रह्मा बन करके उनकी पालना करें, ब्रह्मा बन करके सहन शक्ति धारण करें, तब ये परिवार स्थापन होगा, तब ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हाँ, जो और धर्म हैं, और धर्म वाले हैं, उनको नहीं पनपने देना है। उनके सिद्धांतों को अगर हम पनपने देंगे तो ये दुनिया नरक ही बनी रहेगी। उनका मुकाबला करना है। मुकाबला करने का मतलब ये नहीं हिंसा करनी है, उनके बोले गए पॉइंट्स को हमें स्वीकार नहीं करना है। बाबा सुबह सुबह मुरली सुनने आते हैं, घर पे बोलते हैं कि तुम मुरली सुनने जाती हो, तुम्हें कौन सा इनाम मिलता है? खुशी का इनाम मिलता है। हाँ, कौन सा इनाम मिलता है? खुशी का इनाम मिलता है। हमने बोला बाबा से खुशी का इनाम मिलता है, तो इससे घर में ही खुशी मनाओ ना, तो वही इनाम मिलेगा। सही बात है, पहले अपने घर में खुशी मनाओ, अपने घर में तो नाराज ना, लड़ाई लड़ाई ना करो, तो लोगों को विश्वास होगा कि इन्हें कुछ मिला हुआ है। अगर वो देखेंगे ये घर में ही काय काय लाएं लाएं कर रही है, तो खुशी कहाँ हुई? प्रैक्टिकल जीवन में कुछ अलग देखेंगे और बोल बोल कुछ और देखेंगे, तो मानेंगे थोड़े ही। एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी,
श्याम तुलसी के पत्ते गर्मियों में झड़ जाते हैं और राम तुलसी के पत्ते भी झड़ते तो हैं, परंतु नए नए हरे पत्ते भी उसी समय निकलते भी हैं। पुराने पत्ते झड़ते हैं और साथ ही नई छोटी छोटी पत्तियां किल्लियां निकलती भी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो श्यामा तुलसी है वो बिल्कुल टूट जाती है ज्ञान में से, और बाल बच्चे भी उसके पैदा नहीं होते। और जो रामा तुलसी है जगदम्बा, वो झड़ती तो है, ज्ञान में से टूटती तो है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियां ढेर सारी पैदा होती रहती हैं। जगदम्बा की भुजाएं अभी पैदा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? है? रुद्रमाला में जगदम्बा की भुजाएं पैदा हो रही हैं या विजयमाला की भुजाएं पैदा हो रही हैं? है? जगदम्बा की भुजाएं पैदा हो रही हैं। तो श्याम तुलसी के पत्ते नहीं निकलते हैं, जड़ जाते हैं, सूख जाती है, और रामा तुलसी के पत्ते निकलते रहते हैं, निकलना बंद नहीं होते हैं। और बाबा ऐसे बाबा बोलते हैं कि सवेरे मतलब क्लास करने आते चुटकू के केले में आना चाहिए, तो बाबा जैसे अंधेरे आए दूर से फिर माता कैसे आए दूर रहते हैं? अंधेरे में कैसे आए? बाबा ने कहाँ कहा कि अंधेरे में चल पड़ो? तो क्लास 6 बजे चालू होती है बाबा, तो मतलब दूर से आना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, याद करते करते आ जाओ, तुम्हारा याद का जो क्लास है जब तक पूरा होगा तब तक 7 बजे तुम पहुंच जाओगे। अंधेरा होता है बाबा, उधर खेत पे आना पड़ता है। हाँ हाँ, खेत पे से आना पड़ता है, तो 1 घंटा लगेगा कि नहीं आने में? आधा घंटा लगता है। अच्छा, आधा घंटा सही, तो आधा घंटा याद में आ जाओ, डबल काम हो जाएगा। बाबा बाबा, गंगा सागर का मेला होता है बाबा, मंदिर समुद्र में से निकल जाता है, है? जो गंगा सागर का मेला होता है उसमें जो मंदिर है शिव का, हाँ? वो निकल जाता है समुद्र? निकल आता नहीं है, ऊपर आ जाता है। ऊपर नहीं आ जाता है, उस समय बरसात का सीजन खत्म हो जाता है अच्छी तरह से, माघ मास में, और बरसात का मौसम खत्म हो जाने के कारण गंगा की बाढ़ खत्म हो जाती है, बाढ़ उतर जाती है। गंगा की बाढ़ उतर जाने के कारण समंदर का पानी भी नीचे खिसका हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए मंदिर ऊपर दिखाई पड़ता है। और ठीक है, ठीक है, कैसे उपकार किया? अच्छा, मनसा से उनका उपकार नहीं कर सकते है? हाँ, मनसा से उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना नहीं कर सकते? जब सूर्यवंशी हैं तो विश्व कल्याणकारी हैं या सिर्फ सूर्यवंशियों के ही कल्याणकारी हैं? है? सारे विश्व के पिता है ना, सारे विश्व की बीज रूप आत्माएं है ना, सारे विश्व के पूर्वज है ना। तो जो पूर्वज होते हैं वो अपनी सारी ही वंशावली के प्रति शुभ भावना को शुभकामना रखते हैं। जो पूर्वज नहीं होते हैं, बाद की पीढ़ियों की पैदाइश हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनमें शुभ भावना और शुभ कामना नहीं आती है, क्षुद्रवंशी कहे जाते हैं। देहात में खरगोश और कछुए की रेस है? देहात में कछुए और खरगोश की रेस का कछुआ कछुए और खरगोश की रेस जिसमें कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, जबकि खरगोश तेज दौड़ता है,
जबकि खरगोश हाथ से दौड़ता है हाँ? फिर भी कछुआ जीत जाता है। हाँ? खरगोश जो है वो तेज दौड़ता है और हाई जंप भी लंबी लंबी लगाता है। कछुआ ना तेज दौड़ता है और ना हाई जंप तेज लगाता है, लेकिन उसमें क्या विशेषता होती है? कुछ विशेषता होती है कि नहीं? क्या? नहीं, उसमें विशेषता होती है इंद्रियों को समेटने की। जब माया का आक्रमण होता है तो इंद्रियों को समेट लेता है। तो ऐसे ही रुद्रमाला की जो रानी मक्खी है अथवा विजयमाला की जो रानी मक्खी है वो पवित्रता में सबसे आगे जाती है, लेकिन याद की दौड़ में तीखी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का पूरा परिचय नहीं मिला है। परिचय पूरा न होने के कारण पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होती है, इसलिए तेज चाल नहीं है, दौड़ नहीं है, लेकिन प्योरिटी की पावर के आधार पर निरंतर खुशी में रहती है। अंदरूनी खुशी है इसलिए जीत हो जाती है। और ठीक है, प्रजापिता सारी दुनिया को गिराने के भी निमित्त बना द्वापर के याद में। तो इस्लाम धर्म का आता है कि इस्लाम धर्म ने द्वापर भारत को इस्लाम धर्म ने सीधा नहीं गिराया। एडम और आदम पहले नीचे गिरे या इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो नीचे गिराता है? हैं? कौन नीचे गिरे पहले? एडम और आदम ही पहले नीचे गिरे। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। प्रथम मीना बाबा 1976 से पृथक है। प्रथम मीना जो है 1976 मीरा हाँ जैसे सात हीरे और 1976 से मीरा प्रत्यक्ष नहीं है, हीरा 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 प्रत्यक्ष है। हाँ जी, तो जैसे नंबर वन सात हीरे और प्रैक्टिकल में कब मिला है? तो अभी एक नया हीरा और नहीं निकला ना? अखबारों में आया था ना एक और नया हीरा निकला जिसकी कीमत आंख ही नहीं जा रही है। कोनेर हीरे से भी ज्यादा कम कीमती दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही और भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और आदि देव आदि देवी तो आदि में होते हैं। आदि देव आदि देवी तो आदि में होते हैं। आदि देव को प्रजापिता नहीं कहेंगे? आदि देव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो सबसे अंधिका नहीं है। देव विकारी होता है निर्विकारी होता है, हैं? और प्रजा प्रजा विकारी है निर्विकारी है? और उसका पिता वो भी विकारी है। वो कौन सा हीरा है? है? वो कौन सा हीरा है? कौन सा? वो तो अखबारों में निकला है, मुझे क्या पता, मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं हूँ। बाबा ने बताया नहीं अभी। जो नए नए सरेंडर होते हैं तो वो पुरानी पुरानी बहनों की ही बात मानते हैं, उनकी बातों को श्रीमत मान करके चलते हैं, तो क्या कहेंगे? ये बात सही है या गलत है? है?
क्या पुरानी सब बहने? बड़ी बहनों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? क्या सभी पुरानी बहनों की मत मानते हैं? नहीं, कोई कोई पुरानी बहनें हैं जिनको बाबा की विशेष छत्र छाया मिली हुई है, उनकी बातों को मानते हैं। ऐसे तो नहीं सबकी बातों को मानते हैं। पीयू के बोल बड़े अनमोल, जीवन मुक्ति मिलती है पीयू के बोल से। पीयू की वाणी तो अभी निकली नहीं। पीयू को पहचाना है? अरे आपने इस पीयू को पहचाना है? पहचाने तो वाणी नहीं पहचानी। भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं कि हिचकियां जब आती हैं तो कोई याद करता है। तो बाबा जब हम आपको याद करते हैं तो आपको भी हिचकियां आती हैं क्या? अच्छा, जिसने ये प्रश्न किया है वो पहले एक प्रश्न का जवाब दे कि जिसको याद करते हैं आप वो साकार बाबा को याद करते हैं या निराकारी बाबा को याद करते हैं? कौन सी आत्मा को याद करते हैं? बुट्टू आत्मा को याद करते हैं कि भगवान आत्मा को याद करते हैं? अरे कौन सी आत्मा को याद करना आत्मा का काम है कि देह का काम है? आत्मा का काम है। तो कौन सी आत्मा को याद करते हैं? है? साकार में निराकार, निराकार को याद करते हैं। साकार को याद नहीं करते, साकार में निराकार को याद करते हैं। तो जिसको याद करते हैं उसको हिचकियां आने का सवाल हो सकता है? है? उसको कैसे होगा? जो आत्मा एडवांस में शरीर छोड़ने वाला हो तो अच्छा जन्म रहा होगा, दोबारा जन्म लेते फिर ध्यान में आएंगे। 84वां जन्म, अगला जन्म होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होगा। क्या? हाँ, वो 21वां जन्म भी गाया जाएगा। और जब तक बाबा के पास परम धाम होंगे हाँ, तब तक हम भी ज्ञान सागर होंगे। हाँ, परम धाम में कौन से में? साकार परम धाम में या निराकार परम धाम में? और कुछ? बाबा आप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हैं तो मैं खींचा चला आता हूं, लेकिन बाबा हमने तो ये देखा है कि जब आप फ्लाइट में होते हैं या फिर आपका ट्रेन का टिकट होता है तब ही आप आते हैं। अच्छा, किसी को पता चलता है कि फ्लाइट में कब है, ट्रेन में कब है? है तो झूठ बोल के लिख दिया है, और झूठ कंडे स्थापन करना है क्या? हाइट कितनी होती है देवताओं से? है उतनी लंबाई होती है जितनी यहाँ सामान्य मनुष्य की भारत में लंबाई होती है। जो देह अभिमानी होते हैं धर्म, वो लंबे चौड़े होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा में देह भान भरा हुआ रहता है।
जो आत्मा अभिमानी है जन्म जन्मांतर के, वो ज्यादा लंबे चौड़े कैसे होंगे? वो तो अपने धर्म के पक्के होते हैं। अपना धर्म सबसे बड़ा धर्म है आत्म की स्थिति में रहना। स्वधर्म निधर्म से यह है। स्वधर्म क्या है? आत्मा का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो आत्म की स्थिति में रहता है उनके शरीर बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं, सामान्य ही होते हैं। है बाबा पूरी मुरली शिव की होती है। ब्रह्मा भाई तो इंटरफियर करके बीच में बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। फिर बीच में पॉइंट आता है शिव भगवान वाच मामे कम याद करो। मतलब वो पॉइंट शिव का ही है। हाँ? बाबा मैं किसी कारण से दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है तो मेरी क्लास ही छूट जाएगी, तो क्या करना है? वो कारण का निवारण कर दो। किसी ने पूछा है मुरली में बोला है रुद्रमाला के मण के आत्मिक सुख भोगने वाले हैं और विजयमाला के मण के देह का सुख भोगने वाले हैं, तो बाबा रुद्रमाला के मण के आत्मिक सुख भोगने वाले हैं तो उनको जन्म जन्मांतर को का पतित कैसे कहेंगे? जन्म जन्मांतर के पतित कैसे हुए? 63 जन्म में पतित पना होता है या जन्म जन्मांतर पतित पना होता है? है 63 जन्म पतित पना कहेंगे, बाकी जन्म जन्मांतर पतित पना तो होता नहीं। बाकी रही आत्मिक सुख की बात, तो कोई आत्माएं महलों में रह करके सुख भोगना पसंद करती हैं, उन्हें मारा मारी पसंद नहीं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो महलों में बैठ करके सुख भोगना पसंद नहीं करती, अपने देश की रक्षा में शरीर भी चला जाए प्राण भी छूट जाए तो भी अंत समय में उनको सुखी ही होता है और सुखी घर में जाकर के जन्म लेती है, अंत मते सोगते हो जाती है। इस तरह कहा जाता है कि वो आत्मिक सुख भोगते हैं, देह की सुख की परवाह नहीं रहती है। जिनको देह के सुख की परवाह रहती है उनको आधीन होकर के रानी बनना पड़ता है, और जो देह के सुख की भी परवाह नहीं करते वो राजा बनकर के रहते हैं, स्वाधीन होकर के रहते हैं, किसी के भी आधीन बनकर के रहना उनको पसंद नहीं है, इसलिए ये अंतर पड़ता है। जिन आत्माओं को संदेश देते 3 बात होगा वो सुन के रह जाते हैं। जिन आत्माओं को संदेश देते 3 बात होगा वो सुन के रह जाते हैं, तो वो कौन से स्वर मतलब उसमें आएंगे? जैसे राजा प्रजा बनाएगा तो वो कौन से स्वर में आएंगे? क्योंकि सूर्य वंश सत्युग में रहते हैं, सूर्य वंश सत्युग में रहते हैं, चंद्र वंश विक्रेता में, तो जो जिन्हें संदेश दिया वो कौन से उसमें आएंगे? स्वर में तो राजा की प्रजा का बने, जो सिर्फ सुन लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तो जो सुन लेते हैं उन सुनने वालों में अनेक धर्मों की प्रजा है। 8 नारायण है वो एक धर्म के हैं या अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं? तो 8 नारायण की जो भी प्रजा है वो सारी प्रजा संदेश लेती है और संदेश लेकर के चली जाती है प्रजावर्ग में, कोई में भी जैसे उनके आचरण होंगे प्रजावर्ग में जाकर के वैसे ही बनेंगे। 84 जन्म भी ले, ब्रह्मा जैसे होंगे सुनकर के चले जाते हैं, मानते नहीं, रेगुलर स्टूडेंट बनते नहीं, फिर ब्रह्मा कुमार के ब्रह्मा कुमारी, तो 84 जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? वो तो चंद्रवासी भी श्रेष्ठ हुए हैं दुनिया वालों।
दुनिया वाले जो चंद्रवंशी हैं, उनमें वो इसलिए श्रेष्ठ हुए कि वो 4.5 लाख के आगे जो नंबर है 9 लाख तक का, उस पोस्ट में आ जाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ हो गए हैं। तो प्रजा ही दूसरे नंबर की प्रजा है ना, संगमयुगी पहले नंबर की प्रजा थोड़े ही है। जो संगमयुगी पहले नंबर की प्रजा होगी वो तो यही प्रजा बन जावेंगे, यही सुख का अनुभव करेंगे, स्वर्गीय सुख का इसी जीवन में। बाबा, और जो संदेश देने वाला है वो खुद कलयुग में आएगा तो फिर उसकी प्रजा कहाँ होगी? संदेश देने वाला कलयुग में अभी कोई है ही नहीं। यहाँ जितने भी संदेश देने वाले बैठे हुए हैं उनमें कोई ऐसा है जो कलयुग में आएगा? बाबा, जैसे कोई अंत में और संदेश देता है वो खुद ही कलयुग में आएगा? जो अंत में आवेंगे वो कलयुग की शूटिंग अंत की होगी, अभी थोड़े ही, अभी तो धर्म पिताएं ही नहीं निकले हैं। जब धर्म पिताएं निकलेंगे तभी तो उनकी वंशावली शुरू होगी। और अष्टदेवों को सूर्यवंशी कहा जाता है, लेकिन विजयमाला तो चंद्रवंशी है ना, तो वो अष्टदेव में कैसे आएंगे? जैसे कन्याएं नीचे कुल की होती हैं, नीची कोटि के ब्राह्मण होते हैं उनकी बच्चियां बनती हैं, फिर ऊंचे कुल वाले ब्राह्मण के साथ उनकी शादी हो जाती है तो ऊंच कुल का ही गोत्र उनका माना जाता है। क्षत्रिय वंश की कन्या हो और ब्राह्मणों में शादी हो जाए तो वो ब्राह्मण ही कही जाती है। ऐसे ही जो भी चंद्रवंशी कन्याएं हैं जब अष्टदेवों के साथ वर्ण करेंगी तो वो भी सूर्यवंशी कही जावेंगी। जैसा संग वैसा ही उनको रंग लग जाएगा। बाबा, जो भी भक्ति मार्ग की परंपराएं वो सब संगम युग के हैं, शूटिंग में ही है। तो बाबा जी, गुरुवार को लोग ना सर धोते ना बाल धोते हैं, ना नाखून वगैरह काटते हैं, तो इसकी शूटिंग कैसे बाबा? नाखून ना और जो बाल हैं वो गंदे खून से बनते हैं या अच्छे खून से बनते हैं? है? नाखून जो बनते हैं वो गंदे खून से बनते हैं या अच्छे खून से बनते हैं? है? गंदा खून होता है, जैसे पसीना वगैरह निकलता है, तो जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। उस गंदगी को सदगुरुवार के दिन नहीं निकालते हैं। अभी हमारे ऊपर सदगुरु की दशा है तो हम भी विकारों में जाकर शरीर से गंदगी ना निकालें तो अच्छी बात है, बेहद में ही तो है ये। अरे विकारी बनते हैं तो गंदगी निकलती है कि नहीं शरीर से? निकलती है, शक्ति क्षीण होती है या नहीं क्षीण होती है? जो भी खून निकला वो नाली में जाता है, गंदगी बनता है या शुद्ध खून बनता है? हमारे काम आता है, काम की चीज है क्या? नहीं। बच्चे भी अगर पैदा होंगे तो भी बिच्छू टिंडन पैदा होंगे, तो बिच्छू टिंडन हमारे काम की चीज है क्या? तो जैसे वो नाखून है दुख देने वाले, बाल हैं विकारी पनियों की यादगार, क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? है हद में ये सब मानना चाहिए कि नहीं? क्या हद में? बाल धोना नाखून, ये हद की ही तो बात है, ये भक्ति मार्ग के हद की ही तो बात है, वो हद का खून है, ये हमारे संकल्पों का बेहद का खून है,
बेहद का खून, अगर संकल्पों का बेहद का खून हम रोक दें, संकल्पों को जाम कर दें, हम बिंदु रूप में टिक जाएं, तो ये गंदा खून बाहर आएगा। जिस गंदे खून से बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं वो गंदा खून बाहर आएगा। जो मनुष्य की स्त्री और पुरुष की शक्ति छीण होती है विकारों में जाने से, वो नाली में चली जाती है, गंदा खून बन जाता है, गंदगी बन जाती है, वो फायदेमंद चीज है या नुकसानदायक चीज है? वो तो बहुत भारी नुकसान हो गया। इसलिए वो गंदगी नहीं निकालना चाहिए जब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है। अगर गंदगी निकलती है तो साबित होता है कि हमारे ऊपर राहु की दशा है या बृहस्पति की दशा है, किसकी दशा है? है राहु की दशा है। प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है, झाड़ू भी देते हैं। हाँ, वो झाड़ू की मार पूरे एडवांस संगठन पूरों पे पड़ेगी, जो श्रीमत पर चलेंगे उन पे नहीं पड़ेगी। अच्छा, एडवांस वालों में दूसरे दूसरे धर्म के नहीं है? हाँ, अब ये कुलबुलाहट ज्यादा हो रही है। छुट्टी, ओम शांति।